अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमीन यूसुफ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है टमीटक। टमीटक क्या होता है और इसके सूटेबल कैंडिडेट्स कौन से हैं। सो टमीटक का मतलब है, टक से याद रख सकते हैं कि स्किन को रिमूव करना, जो भी एक्स्ट्रा स्किन है हम उसको रिमूव करते हैं तो उसको हम टमीटक कहते हैं। तो टमीटक में सिर्फ स्किन रिमूवल नहीं है, इसके बेसिकली चार कंपोनेंट हैं और हम अब तो लाइपोसक्शन भी ऑलमोस्ट सब कैंडिडेट में ऐड करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं लाइपोसक्शन में स्किन कट नहीं होती, वो स्किन कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और बारीक से सुराख से हम चर्बी निकालते हैं। तो लेकिन टमीटक में हम कट करके पूरी पूरी स्किन भी निकालते हैं। सो टमीटक के क्या कंपोनेंट्स हैं, एक में इसमें नंबर वन ये कि आप स्किन को लिफ्ट करते हैं, नंबर टू जो मसल्स को अंदर टाइटनिंग करते हैं, नंबर थ्री जो बैली बटन है इसको नई जगह पे रीलोकेट करते हैं, और नंबर फोर आप एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव करते हैं। अब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सूटेबल कैंडिडेट कौन से हैं। होता ये कि आपका जो बैली है उसकी स्किन नॉर्मल होती है तो हर प्रेगनेंसी के साथ आपकी बैली एक्सपेंड करती है। एक प्रेगनेंसी सेकेंड और थर्ड के बाद क्या होता है, आपके मसल्स काफ़ी लूज हो जाते हैं और आपकी स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं और स्किन लटक सकती है। तो क्या ऐसे पेशेंट्स जो कि अब फैमिली कंप्लीट हो गई है और वो आते हैं, क्या हम लाइपोसेक्शन करा सकते हैं ताकि हमारा पेट पहले जैसा वापस आ जाए। अक्सर औकात ये होता है कि ये कैंडिडेट उसके लिए सूटेबल नहीं है। वजह क्या होती है, स्किन बार बार स्ट्रेच होके उसके जो फाइबर्स होते हैं, जो इलास्टिन फाइबर होते हैं, वो टूट चुके होते हैं तो वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। लाइपोसक्शन में तो स्किन वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो इसलिए इनमें वो स्किन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती तो हम लाइपोसक्शन करेंगे तो रिंकल पड़ जाएंगे, तो हमें वो स्किन रिमूवल भी लाजमी है। तो पहली बात तो ये कि ऐसे पेशेंट जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, जिनकी स्किन एक्स्ट्रा है, स्ट्रेच मार्क्स हैं, उनको चाहिए कि वो टमीटक की तरफ जाएं। नंबर टू, जो मसल लूज हो चुके हैं इंटरनल, जो कि हर प्रेगनेंसी में थोड़े से लूज हुए, अगले में और लूज हो गए, तो वो मसल्स लूज हो जाते हैं जिसको रेक्टस हम कहते हैं, डायवेरिकेशन कहते हैं, या थोड़ा हर्निया बन जाता है, तो ऐसे ये काम भी हम टमीटक में साथ करते हैं। तो जब आप स्किन को लिफ्ट करते हैं और स्किन को नीचे पुल करेंगे तो उस पर मैक्सिमम स्किन आप निकाल सकते हैं जिसके प्रॉपरली वही वाला कंटूर आ सकता है जो कि आपका पहली प्रेगनेंसी से पहले वाला भी था। अब मेल पेशेंट या मेल और फीमेल पेशेंट जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, हम इसे मॉर्बिड ओबीस कहते हैं या सुपर ओबीस, ऐसे पेशेंट जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो पेशेंट जब अपना वेट लूज़ करते हैं तो जिस तरह एक गुब्बारे में से हवा निकलती है, ऐसे वो फैट कम होने से आपकी स्किन लटकना शुरू होती है। जिम और एक्सरसाइज से कोशिश करके थोड़ा बहुत स्किन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब आप 30 kg या 40 kg वेट लूज़ करते हैं तो स्किन लूज हो जाती है, तो फिर वो स्किन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इसलिए ऐसे मेल पेशेंट जिन्होंने वेट लूज़ किया हुआ है उनको भी स्किन रिमूवल के लिए टमीटक की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि उनके मसल्स टाइट हों लेकिन उनकी स्किन इतनी रिमूव होती है कि हमें वो रिमूव किए बगैर नहीं ठीक कर सकते, या सिर्फ लाइपोसक्शन से आप उसको वो रिजल्ट नहीं दे सकते। तो मैसिव वेट लॉस पेशेंट, मेल एंड फीमेल बोथ आर आल्सो कैंडिडेट फॉर दिस काइंड ऑफ सर्जरी। तो सूटेबल पेशेंट कौन से हैं, तो सबसे आइडियल ये कि आपका अगर वेट नॉर्मल है, आप फीमेल में 60-70 kg मैक्सिमम एंड मेल में 80-90 और 100 kg मैक्सिमम, ऐसे कैंडिडेट सूटेबल कैंडिडेट हैं। अगर वेट नॉर्मल है, ऐसे पेशेंट जो कि वेट इनका नॉर्मल लिमिट में है या ओवर वेट है लेकिन ओबीस नहीं है, तो वो अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छे कैंडिडेट का मतलब है कि आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट उसमें कम होता है। सो फीमेल 60-70 kg तक अच्छे कैंडिडेट हैं और मेल 80-90 kg तक भी करा सकते हैं। लेकिन क्या जिनका वेट 110 या 100 kg है वो टमीटक करा सकते हैं? रिकमेंडेड ये है कि आप पहले वेट लूज़ कर लें जितना मैक्सिमम लूज़ कर सकते हैं तो फिर आप टमीटक कराएं। लेकिन इन केस जो लोग वेट नहीं लूज़ कर सकते तो हम लाइपोसक्शन को कम्बाइन करके टमीटक के साथ तो अच्छा रिजल्ट उनको भी दे सकते हैं। तो अगर आप हमारे पेज पे देखेंगे तो काफ़ी सारे पेशेंट 110 kg या 100 kg वाले भी हैं जिनका हमने लाइपोसक्शन के साथ रिजल्ट दिया हुआ। तो टमीटक में मेनली हम तीन में करते हैं, बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन मेन में करने के लिए
एक हम कहते हैं मिनी टमी टक। मिनी टमी टक का मतलब यह है कि अगर बेली बटन से नीचे नीचे वाली स्किन एक्स्ट्रा है तो अगर सिर्फ उतनी स्किन निकाल दें, कुछ और खास ना करें, या करें तो लाइपोसक्शन करें, तो फिर स्कार भी थोड़ा छोटा आता है जहाँ सी सेक्शन आता है और स्किन भी रिमूव होती है, लेकिन बेली बटन थोड़ा सा नीचे पुल होगा लेकिन अपनी जगह पे रहेगा, तो इसको हम मिनी टमी टक कहते हैं, जिसमें हम बेली बटन से ऊपर हमने कुछ नहीं किया। ऐसे पेशेंट्स जिनका स्किन लोअर पोर्शन की तरफ लूज है वो इसके सूटेबल कैंडिडेट है, लेकिन जिन पेशेंट की स्किन बेली बटन से ऊपर भी एक्स्ट्रा है और मसल्स भी लूज हैं तो उसके लिए हमें फुल टमी टक चाहिए होता है। तो फुल टमी टक क्या है, जिसमें आप स्किन को ऊपर तक लिफ्ट कर लेते हैं, नीचे सी सेक्शन वाली जगह से लेके ऊपर तक बेली बटन से ऊपर जाके मसल्स को टाइट करते हैं, बेली बटन को नई जगह पे लोकेट करते हैं। बेली बटन आपका ओरिजिनल ही होता है लेकिन उसको नई जगह पे लोकेट करते हैं और स्किन को नीचे पुल करके जितना एक्स्ट्रा स्किन है उसको रिमूव करते हैं। और अगर लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी है तो यही सेम टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी अलॉन्ग विद लाइपोसेक्शन तो कंबाइन है। फिर एक है इसी टमी टक में 360 टमी टक। क्या होता है 360 टमी टक का मतलब है कि आपने जो फ्रंट पे जितनी स्किन एक्स्ट्रा रिमूव की है वो मसल्स टाइट कर दिए, बेली बटन भी नया बना दिया, लेकिन कुछ साइडों पे भी एक्स्ट्रा स्किन होती है। तो अगर तो सिर्फ साइडों पे एक्स्ट्रा फैट है तो लाइपोसक्शन ही हम करते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें एक्स्ट्रा स्किन भी है तो उनके लिए हम बैक से स्किन भी रिमूव करते हैं। अगर स्किन बैक से भी रिमूव की जाए, बैक से लाइपोसक्शन भी की जाए, स्किन रिमूव की जाए, ऐसे फ्रंट से स्किन रिमूव की जाए और लाइपोसक्शन की जाए, इसको हम 360 टमी टक बोलते हैं। तो इसका रिजल्ट ये है कि आपका ओवरऑल 360 डिग्री ऑल अराउंड बॉडी की कंटूरिंग या शेप अच्छी हो जाती है, तो इसलिए ये एक 360 टमी टक भी है। एक फ्लोर द लिस्ट टमी टक होता है, उसका मतलब ये कि जब आप वेट लूज इतना कर लेते हैं तो आपका सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही स्किन लूज नहीं होती, बल्कि आप थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ऐसे भी टाइट करें तो स्किन बहुत यहाँ सेंटर में एक्स्ट्रा जमा हो जाए, तो ऐसी स्किन को हम वर्टिकल। टमी टक सेफ सर्जरी है? जी हाँ, टमी टक 95-99% तक सेफ सर्जरी है। अगर आपका वेट नॉर्मल है, बीएमआई नॉर्मल है, आपके कोई शुगर ब्लड प्रेशर कोई और मसले नहीं है, आप स्मोकिंग नहीं करते या कुछ मेडिसिन नहीं लेते ब्लड थिनर्स वाली, तो आपकी चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन 1-2% हैं, जस्ट लाइक लाइपोसक्शन, क्योंकि टमी टक में एक कट होता है तो उसमें चांसेस हैं कहीं जख्म का इन्फेक्शन तो नहीं हो सकता, एंड दिस इज द ओनली वन मेन कॉम्प्लिकेशन विच मोस्ट कॉमनली हैपन्स, अदरवाइज इज टोटली सेफ। जिनका वेट ज़्यादा है, जो ओवरवेट है या स्पेशली जो ओबीज हैं उनमें, और जिनमें हम मल्टीपल चीज़ें कंबाइन करते हैं यानी लाइपोसक्शन भी बहुत ज़्यादा करते हैं फ्रंट साइड पे, उनमें इन्फेक्शन का रेट 5% तक भी जा सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन हम क्या करते हैं, पेशेंट का अपना वेट क्या है, उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है और उसको दूसरे रिस्क फैक्टर हैं, तो उससे कॉम्प्लिकेशन 5% तक भी चली जाती हैं, लेकिन रूटीन में कॉम्प्लिकेशन 2-3% तक ही महदूद रहती हैं, स्पेशली इन लोगों में जिनमें वेट नॉर्मल है, जिनका बीएमआई नॉर्मल है। सो कॉम्प्लिकेशन क्या है उसमें, नंबर वन इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इतना बड़ा कट लगता है तो उसमें से कोई एक दो जगह से स्टिच ख़राब हो सकते हैं, पस आ सकती है, जो कि रूटीन में रिकवरी 2 हफ्ते में अगर होती है तो आपको, अगर इन्फेक्शन है तो आपको 1-2 हफ्ते से 4 हफ्ते और लग सकते हैं ताकि पस वहाँ से ख़त्म हो जाए, तो इसलिए आपको एंटीबायोटिक भी साथ लेना पड़ेगी और आपको ड्रेसिंग पे भी होना पड़ सकता है। स्किन नेक्रोसिस ये दूसरा कंपोनेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइपोसक्शन करें तो चूँकि आप स्किन को कट करके ऊपर लिफ्ट कर लेते हैं तो ब्लड सप्लाई ऊपर से नीचे आती है, तो लास्ट पोर्शन तक पहुँचते समटाइम्स सेंटर में अ पोर्शन ऑफ स्किन ख़राब हो सकता है, जिसको आप स्किन नेक्रोसिस कहते हैं। तो अगर छोटा एरिया है तो आप ड्रेसिंग करते रहें, खुद हील कर जाएगा, अगर बड़ा एरिया है तो हमें वो रिमूव करके दोबारा क्लोज करना भी पड़ सकता है। दीज आर द मोस्ट कॉमन टू कॉम्प्लिकेशन।